हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट कर रहा हूं मैं एक वीडियो है दर्रा आदम खेल बिगेस्ट गन्स मार्केट इन पाकिस्तान ऑन चीपर प्राइस। ओके, गन मार्केट कैसी है, किस टाइप की गन्स मिलती होंगी वहां पर, और वो देखेंगे इसके अंदर। देखते हैं, एक मुझे ये जो वो बंदा है वो छोटी सी उम्र का ही लग रहा है, ये रफशांस वर्ल्ड कर का चैनल है इनका। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। गन्स वगैरह हैं, ये जो गन्स है बिल्कुल ओरिजिनल है, रशियन मेड है, और 2 लाख तक, 2.5 लाख तक इसकी प्राइस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो यू आर मौजूद है दरा बाजार में, दरा आदम खेल में, दरा आदम आए हैं पिस्टल्स और गन्स वगैरह की वीडियो बनाने की है। तो आप लोग शो करेंगे कि दरा बाजार में किस तरह गन्स वगैरह बनती हैं और क्या सब कुछ होता है। वीडियो पे चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप। वाह यार, क्या खूबसूरत है जगह, ऐसी पहाड़ियां मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। आई एम इन लव विद द नेचर। ओके भाई, ये सचमुच वाली है, किसी को खत्म करने वाली। तो जैसे कि आपको पता है, हम दरे जा रहे हैं थंबनेल टाइटल इंट्रो वगैरह से, जो फैमिली तो के साथ जा रहे हैं। दरे गए हो पहले या नहीं? मैं पहले बहुत पहले गया था। ये दरा जो है, दरा दमखेल, ये कोहाट एफआर में आता है। अच्छा, और इधर जो बाकी जी फरीदी किले और ये दूसरे इधर जो गांव है शमशतू वगैरह, ये पिशावर एफआर में आते हैं। ये बेसिकली है एजेंसी, मतलब एक कबायल एरिया है। अच्छा, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने देश तालिबान की छुटकारे के बाद इसे सेटल एरिया में मर्ज कर दिया है, और ये अब बाकायदा तौर पे इनको मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। एफआर पिशावर को डिस्ट्रिक्ट पिशावर के साथ लगा दिया है, और एफआर कोहाट को डिस्ट्रिक्ट कोहाट के साथ लगा दिया, और बाकी जो 7 एजेंसियां थी उनसे 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। अच्छा, और कभी आपने इधर से कोई असला मसला लेके गए हो के नहीं? बंदूक जमाने में गए हैं, लेकर गए हैं, इधर मिलता था हर किस्म असला। यहाँ पे तरह में लोकल मेड असला बनता है ज्यादातर, इसमें जो वार हुई थी अफगानिस्तान और रशियन के, उसके बाद बेदर सुपर क्लाशनकोव, और ये इंग्लिश असला भी आ गया, और इसकी खरीदो फरोख्त होती है, लेन देन होती है, लोग करते हैं, ले जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यहाँ से असला जाता है। दूसरी बात के मामू ने कहा कि कैसा था एक मर्दा, लोगों ने कहा कि एक ने असला ले लिया ना, कि हम अब लेके कैसे जाएंगे, तो नहीं कहते बाबा लोग पैसे मैसे दे दो, ले जाने लाने का खर्चा दे दो, हम लेके जाएंगे। इनके पास किराए के लोग होते हैं, तो उन्होंने बंदूक गाड़ी के नीचे ही बांध दी, और वो जब घर पहुंच, उन्होंने कहा कि हमारी बंदूक कब तक आएगी, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी के नीचे आप देखो बंदूक आपकी पड़ी हुई है। इधर आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, मशीनें लोग ज्यादातर वो फैक्ट्रीज में भी बनती है, लेकिन इधर सब कुछ हैंडमेड होता है, हाथ से सब कुछ बनता है। कैमरा पे वीडियो बनाने दे रहे हैं, हैंडमेड है सारा, हाथ से आप लोग बनाते हैं। और ये अभी आप कौन सी गन बना रहे हैं? ये 223 बोल रहे हैं। 223 इसकी प्राइस क्या होती है? नॉर्मल नॉर्मल तकरीबन 30,000 इसका प्राइस है। 30,000 पाकिस्तानी, 30,000 पाकिस्तानी यार, इसका मतलब बहुत सस्ता है। गन सी गन से। हाँ इधर जी बिल्कुल, और मजे की बात यह है देसी असला है, और यहाँ टेस्ट करते हैं, फायर करके आप चेक करके तसल्ली से यहाँ से खरीद सकते हैं। तसल्ली के बाद लेकर जाओ। तो दर बाजार में आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स मिल जाएंगी असलहे की, और हर किस्म का असला, और काफ़ी नामी नामी रहे इसमें, यानी जो अगर शहरों में आपको एक आर्टिफिशियल खिलौना आप लेते हैं, उसी उन्हीं पैसों में आपको यहाँ पर देसी हर टाइप का, यानी पिस्टल से लेकर क्लाशनकोफ तक हर किस्म का असला आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आप आर्टिफिशियल खिलौने के पैसों में एक गन शॉप में मौजूद हैं, और मुख्तलिफ यहाँ जो गन्स हैं, असला आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में, पूरा मार्केट ही इससे भरी हुई है। और प्राइस अभी 12 बोर रिपीटर है, लेकिन अब शेप मुख्तलिफ शेप्स में है, ये आप देख सकते हैं, ये भी 12 बोर ही है, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स में, गन एक
ये मेरे भाई है PX5 30 बोर में है, ब्लॉक की तरह इसकी ये फाइबर की बनी हुई है। अच्छा। वैसी 30 बोर होती है, ये दिखाएं, 30 बोर सारे लोहे की होती है, ज्यादातर जो ठीक है यूज होती है वो ये चीज यूज होती है। अब इसमें ये चीज आई है तकरीबन 2-3 साल हो गए, तो ये ग्रिप में आई हुई है। इसका वेट थोड़ा कम होता है। अच्छा। और सिंगल लाइट वेट होता है, लाइट वेट फाइबर की वजह से। हम लोग शाहीन आर्म स्टोर में मौजूद है, कार्ड आपका यहाँ काफी बोल्ट एक्शन है, पबजी से हमने काफी सीखा हुआ है, AR बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स वगैरह देख सकते हैं। और ये कोई सारे एंटीक्स वगैरह है, आप देख सकते हैं काफी एंटीक, और ये एंटीक मॉडल्स में आते हैं। आजकल तो कोई एंटीक है पसंद नहीं करते, एंटीक के लिए काफी। और ये इधर सलादिन की गन्स वगैरह है, ये जो गन्स है बिल्कुल ओरिजिनल है, रशियन मेड है, और 2.5 लाख तक इसकी प्राइस है, ढाई लाख देख सकते हैं, रशियन मेड बिल्कुल ओरिजिनल। यहाँ ओरिजिनल भी होती है लोकल, यही जो चीज होगी अगर आप लोग लोकल मिलेंगे तो 20,000 से लेके 50,000 के दरमियान रेंज करेगी। यहाँ देख सकते मुख्तलिफ गन्स है, रशियन मेड ओरिजिनल काफी ज्यादा, और वो भी है साथ में उसके क्या कह रहे हैं आर्चरी की भी चीजें मौजूद हैं। ये 3x3 है, आपको याद होगा आपके घर में हमारी एक पड़ी थी, उसे मैंने कालतूस बसाया था, कालतूस अभी तक वो हमने किसी को दे ही दी, उसे मैंने वो कालतूस सूझा हुआ था, जैसे मैंने वो किया था तो उसमें कालतूस पास किया। तो दरा बाजार और दरा बाजार में ये असलहे की शॉप दिखाने का यही मकसद था कि अगर आप यूनिक देखना चाहते हैं तो इस किस्म की यानी एंटीक्स चीज़ें भी मौजूद हैं। और यहाँ पर इंग्लिश असलहा, देसी असलहा की तो यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं और वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, और यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, काफ़ी कदरदान लोग हैं, काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं। इस टाइम हम लोग मौजूद है, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है कुहाड़ टनल की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल। और धूप काफ़ी तेज़ है, बट जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, हाँ हवा ठंडी है, पहाड़ है, काफी जबरदस्त लोकेशन है। ये हमने एक मतलब पहले भी बनाई थी, ये जो सीधा रास्ता जाता है ना पहाड़ की तरफ जाता है। सो उम्मीद है आप लोग को आज ये शॉर्ट से और सिंपल से वीडियो थी अच्छी लगी होगी, और ये जो रास्ता है ये सॉरी दरा की तरफ जाता है, तो शॉर्ट और सिंपल से वीडियो की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और इस तरह के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत ही तगड़ी मार्केट थी यार, एक से एक गन मतलब, लेकिन ख़तरनाक के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो खूबसूरत ही लग रहे थे। जो हमने बचपन में माउज़र छर्रे वाले चलाए होते हैं, प्लास्टिक के छर्रे जो होते थे उसके चलाए हुए हैं, वो हमें इतने प्यारे लगते थे, खूबसूरत लगते थे। और ये जो मार्केट में थे बहुत ही ख़तरनाक तो थे ही, आई थिंक लोकल, और लोकल जो है वो विदेशी टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर बनाए जा रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक जो होते हैं, रशियन मेड भी दिखाए इन्होंने। तो वैसे हथियारों को, गन्स को बनाया जा रहा है वहाँ पर, और बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी प्लेस है। और इन्होंने बताया कि इस जगह पर दर्रा जो जगह है, ये दर्रा आदमखेल बिगेस्ट मार्केट जो है गन की, वो सबसे बड़ी मार्केट है आई थिंक पाकिस्तान की। तो वहाँ पर चारों तरफ उसी एरिया में बहुत जगह पर बनता होगा। और उन्होंने, उनके फादर ने कुछ बताई हुई थी हिस्ट्री के, तब से जब तालिबान और उसका हिस्से से अलग होकर ये जो अपना हिस्सा बना पाकिस्तान का,
ये जगह, तो वहाँ पर तब से ये चीज़ें हो रही हैं और तब से ही ये मार्केट है एंड सच में बहुत बड़ा मार्केट है। एंटिक पीसीज भी देखने को मिले इसमें जो पुराने टाइम में कभी बने बनते होंगे या चलते होंगे, 6-6 फुट के 5-5 फुट की गन्स थी यार। और आप कलेक्शन, गन का कलेक्शन आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा, लेकिन शायद कोई करता भी होगा। बहुत बहुत अमीर ज़्यादा पड़े हुए हैं और इनकी प्राइस मुझे बहुत ही ढंग की, बहुत ही सही लगी, यानी कि 10,000 से 15,000 इंडियन बनते हैं। समझ में नहीं आया, दो चीज़ें बताएं कि डिलीवरी करते हैं तो छुपाकर गाड़ी के नीचे पहुंचाते हैं, ठीक, लेकिन एक तरफ बोल रहे थे कि आप लाइसेंस भी बनवा सकते हो इनका किसी गन का, तो और खुल्लम खुल्ला ये वहाँ पर इतनी सारी मार्केट में बन भी रही हैं, इतनी अलग अलग जगह पर, बहुत बड़ा मार्केट है गन का, वहाँ पर बन भी रही हैं और बंदा खुलकर ले भी नहीं सकता, छुपकर पहुँचती है, डिलीवरी करते हैं। तो ये मुझे इसका जवाब दीजिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।